राजा और नर्तकी। एक राजा था जिसे राज्य करते काफ़ी समय हो गया था। बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरु तथा मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलावा भेजा। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत नृत्य पर वे प्रशिक्षित कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। सुबह होने वाली थी, नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई। एक पल के कारने ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब ये बात गुरु ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरे उस मुजरा करने वाले को दे दी। वही दोहा उसने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नौलखा हार उसे दे दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के लड़के ने अपना मुकुट उतार कर दे दिया। वही दोहा वह बार बार दोहराने लगी। राजा ने कहा, बस कर, तुमने वेश्या होकर एक दोहे से सबको लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में पानी आ गया और कहने लगा, राजा, इसको तू वेश्या ना कह, ये अब मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने आ गया हूँ। भाई, मैं तो चला, राजा की लड़की ने कहा। आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे, आज मैंने आपके महावत के साथ भाग कर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। इसने मुझे सुमति दी है कि कभी तो मेरी शादी होगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करती है? राजा के लड़के ने कहा, आप मुझे राज नहीं दे रहे थे, मैंने आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपका कत्ल करवा देना था। इसने समझाया है कि आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर लेते हो। जब यह सारी बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हुआ, क्यों ना मैं अभी राजकुमार का राज तिलक कर दूं। गुरु भी मौजूद है। उसी समय राजा ने अपने बेटे का राज तिलक कर दिया और लड़की से कहा, बेटी, मैं जल्द ही योग्य वर देख कर तुम्हारा भी विवाह कर दूंगा। यह सब देखकर मुजरा करने वाली नर्तकी ने कहा कि मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, मैं तो ना सुधरी। आज से मैं अपना धंधा बंद करती हूँ। हे प्रभु, आज से मैं भी तेरा नाम सुमिरन करूँगी। सीख समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की दो लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी शब्द भी सीख के लिए काफ़ी होती है। यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए।